नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्तियां, नोटिफिकेशन जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों, लैब टेक्नीशियन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलेगा। आंगनबाड़ी में 50,000 पदों पर भर्तियां, जिसमें से 6 माह में भरे जाएंगे 20,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद। 5 वर्ष में 1.58 लाख रोजगार की तैयारी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यह देखिए दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती और होमगार्ड विभाग के लिए खरीदी जाएंगी पिस्टल। तो दोस्तों, यह कैबिनेट बैठक में जो है यह सब निर्णय लिया गया कि लैब टेक्नीशियन के जो खाली पद पड़े हुए हैं उनको भरा जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की बैठक में मंगलवार को एनएक्सी में हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लैब टेक्नीशियन के खाली पड़े पदों को भरने के से लेकर न्यायिक पदों पर 4% आरक्षण दिव्यांगों को देने सहित कई फैसले लिए गए। लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे और 75% पद जो है सीधी भर्ती से होगी। फैसलों के लिए जानकारी जो है उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना व पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। पदोन्नत से लैब टेक्नीशियन के 25% पद भरने का विरोध जो है, लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट के प्रमोशन से भरे जाएंगे, 75% सीधी भर्ती से, इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। लैब टेक्नीशियन का कहना है कि 2 साल के प्रशिक्षण की तुलना 6 माह की ट्रेनिंग से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों, विरोध भी शुरू हो गया है इस भर्ती को लेकर। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों, आंगनबाड़ी में भी 20,000 भर्तियां होंगी, 30,000 पदों पर भर्तियां 1 साल में होंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की भर्ती अब चरणबद्ध ढंग से होगी। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50,000 पद खाली हैं, इनमें से 20,000 पदों पर भर्तियां 6 महीने के अंदर की जाएंगी। शेष 30,000 पदों पर को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास पुष्टाहार विभाग ने अपनी 5 सालों की कार्ययोजना में तय किया है कि अब भर्तियां 2 चरणों में होगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों व सहायिकाओं की बीते 11 साल से भर्तियां नहीं हुई हैं, लेकिन अब भर्तियों का प्रस्ताव मुख्यमंत्री के सामने रखा जाएगा। जनवरी 2021 में विभाग ने 50,000 पद को भरने के लिए आदेश जारी किया था। इसके लिए विभागीय पोर्टल से आवेदन लिया जा रहा था, लेकिन इसमें आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा था। पोर्टल में ऐसा कोई कॉलम नहीं था, ना ही अभ्यर्थी इस पर अपना प्रमाण पत्र अपलोड कर पा रहे थे। इसके चलते 1 दर्जन से ज़्यादा जिलों के DM ने शासन से परामर्श मांगा था। तो दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है, 50,000 पद आंगनबाड़ी के भरे जाएंगे, 20,000 पद 6 महीने के अंदर ही भरे जाएंगे। और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के 20,000 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया 6 माह में पूर्ण कराएं। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों और स्वास्थ्य सखियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाया जाए। कम से कम 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी कराया जाए। तो दोस्तों, 5,000 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण का भी जो है प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा प्रस्ताव पारित भी हो गया है। बात करते हैं अगले अपडेट की। दोस्तों, 5 वर्ष में 1.58 लाख रोजगार की तैयारी, यह भी दिए गए हैं निर्देश। 14 PPP मोड में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का काम जल्द, 33 मेडिकल कॉलेज में 2 साल से क्रियाशील होंगे ई अस्पताल। सरकारी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पताल में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करते हुए सीटों में वृद्धि। नीट के माध्यम से GNM और BSc नर्सिंग में प्रवेश। हर राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब की होगी स्थापना। 75 धार्मिक स्थलों को भोग कार्यक्रम के तहत शामिल करें। तो दोस्तों, इतनी सभी ये भी निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार का जोर बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में अगले 5 साल में करीब 1 लाख से सीधे रोजगार का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में करीब 60,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मंत्रिपरिषद के समक्ष मंगलवार को दिए गए प्रेजेंटेशन में विभाग अगले 100 दिन में 60,000 पदों पर सृजन के साथ सरकारी क्षेत्र में 8,000 लोगों को रोजगार भी देगा। वहीं 2 साल में 30,000 लोगों को सरकारी और 20,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा। इसी तरह 5 साल में 60,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में और 40,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि अगले 6 महीने में 5 नर्सिंग स्कूल, 3 पैरामेडिकल स्कूल और 24 स्किल लैब की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय द्वारा राजकीय एवं निजी आयुष महाविद्यालय का संबंधीकरण भी किया जाएगा। तो दोस्तों,
यह सब अपडेट बहुत ही बड़ी है। 1.58 लाख रोजगार की तैयारी जो है 5 वर्ष में देने की जो है तैयारी की गई है। दोस्तों आज के वीडियो में जो भी मैं बताया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों पर जो भर्तियाँ होंगी उसके बारे में भी बताया हूँ। 1.58 लाख रोजगार भी होगा, स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्र में भी होगा, स्वास्थ्य विभाग में भी होगा, आंगनबाड़ी में 50,000 भर्तियाँ होंगी। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।